जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और श्रीलंका के बीच में दौरा होने वाला है उसके लिए आखिरकार कौन सी भारतीय टीम का ऐलान किया गया है बीसीसीआई द्वारा, और साथ में किस खिलाड़ी को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है, और कौन कौन से नए नए खिलाड़ी टीम में आप सभी को शामिल होते हुए दिखाई देंगे। पूरी डिटेल जानकारी श्रीलंका के दौरे से जुड़ी आप सभी को आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के बाद संन्यास लेगा ये खिलाड़ी, नाम जानकर पूरा भारत देश रह गया हैरान। तो दोस्तों आखिरकार कौन है ये खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के बाद संन्यास लेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। और भी जो क्रिकेट की तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रही है हर एक खबर के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 और ODI सीरीज जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने श्रीलंका के प्रति अपनी FTP प्रतिद्वंदिता को पूरा करने के लिए श्रीलंका दौरे का ऐलान किया, जहां पर भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय और 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए लंका का दौरा करने के लिए अब सहमत भी हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों ये मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक होंगे। हालांकि इन सभी मुकाबलों के लिए आखिरकार भारतीय टीम क्या होगी इसको लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चली आ रही थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारतीय टीम अभी हाल ही में जून के महीने में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाली है, जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को खेलने के बाद फिर भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए बीच में ही भारत और श्रीलंका के बीच दौरा होगा। हालांकि दोस्तों जहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि ये दौरा 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज का होगा, लेकिन अब श्रीलंका बोर्ड ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि 3 मैचों की ODI सीरीज इस दौरान खेली जाएगी और 3 मैचों की T20 सीरीज भारत और श्रीलंका खेलेंगे। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं, पहले भारत और श्रीलंका के बीच में वनडे सीरीज खेली जाएगी, जहां पर 13 जुलाई को पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला आप सभी 1:30 बजे से लाइव अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकोगे। तो वहीं दोस्तों श्रीलंका में T20 सीरीज का आरंभ 22 जुलाई को करा जाएगा, जहां पर शाम के 7 बजे से आप भारत और श्रीलंका के बीच में T20 सीरीज लाइव देख सकोगे। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम को लेकर जो असमंजस था तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होने लग गई है। जी हां दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ कौन सी भारतीय टीम आप सभी को मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी और किन किन खिलाड़ियों के नाम BCCI ने फाइनल करने का मन बना लिया है। जी हां दोस्तों, इस दौरान जो आप सभी को श्रीलंका के खिलाफ खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे उसमें जो कप्तान रखे गए हैं वो है शिखर धवन। जी हां दोस्तों, शिखर धवन आप सभी को कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो फिर नाम निकल कर आता है हार्दिक पांड्या का, संजू सैमसन का, पृथ्वी शॉ का, दीपक चाहर का, राहुल चाहर का, जयदेव उनादकट, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, राहुल तेवतिया और भुवनेश्वर कुमार। तो ऐसे में दोस्तों यही वो खिलाड़ी होंगे जो कि आप सभी को श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम प्लेइंग 11 टीम की बात करें तो प्लेइंग 11 टीम में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ शामिल होंगे, तो वहीं मध्यम क्रम में संजू सैमसन, राहुल तेवतिया, हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालेंगे। तो वहीं दोस्तों गेंदबाजी में दीपक चाहर, राहुल चाहर, जयदेव उनादकट, कुलदीप यादव जैसे खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के बारे में, और आपको क्या लगता है कि इन खिलाड़ियों के अतिरिक्त भी BCCI को किसी और खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था टीम में या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद संन्यास लेगा ये खिलाड़ी, 2014 में तोड़ चुका है टीम इंडिया का दिल, भारत को रहना होगा सावधान। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज विजय वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड का दौरा उनके करियर का आखिरी दौरा होने वाला है। तो ये दोस्तों इंग्लैंड दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम 2 टेस्ट मैच खेलेगी और इसके बाद केन विलियमसन की अगुवाई वाली कीवी टीम 18 जून को साउथैम्पटन में भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलेगी। और इस मैच में खेलने के साथ ही विजय वाटलिंग न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले विकेटकीपर भी बन जाएंगे। तो वहीं वाटलिंग ने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलना उनके लिए एक बड़ी सम्मान की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट वाकई इस खेल का सबसे अहम
अहम हिस्सा है और टीम के साथ सफेद कपड़े में मैदान पर उतरना हर पल एकदम बेहद ही खास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने काफी भावुक भरा बयान दिया। बाकी आपकी क्या राय है इस खिलाड़ी के बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है की संभावना ना के बराबर है। हालांकि आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैचों के आयोजन के लिए यूएई या फिर इंग्लैंड को विकल्प के तौर पर देखा जाएगा और इन सारी बातों के बीच बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी निरंजन शाह ने एक फॉर्मूला आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को कराने के ऊपर दिया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने बोला है कि बीसीसीआई को इस सीजन के बचे हुए 31 मैचों का आयोजन करने के लिए 30 दिनों की विंडो की जरूरत है। बोर्ड घरेलू सीजन में कुछ बदलाव करते इन मैचों के लिए विंडो बना सकता है। अगर हम इस साल घरेलू सीजन के टूर्नामेंट का आयोजन थोड़ी देर से शुरू करें तो आईपीएल 2021 को पूरा आयोजित करने का चांस बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस साल आईपीएल का आयोजन नहीं किया गया तो बोर्ड को इससे काफी ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और बीसीसीआई ने आधे सीजन का आयोजन कर लिया था और आधी लड़ाई उसने जीत ली थी। तो वहीं आगे शाह ने बात करते हुए कहा कि बोर्ड को आधा काम पूरा करने के लिए कुछ और हफ्तों की जरूरत है और जब अगले 2 से 3 महीने में हालात सुधरेंगे तब इस सीजन को पूरा करने पर विचार किया जा सकेगा। तो उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि बोर्ड ने भारत में आईपीएल को आयोजित करने का जो फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि आप हर साल यूएई या फिर कहीं अन्य देश में अपनी लीग का आयोजन नहीं कर सकते। बोर्ड की तरफ से की जाने चाहिए कि उन्होंने कठिन समय में भी इस लीग को नवंबर के महीने से ही शुरू होंगे और इन मुकाबलों को बीसीसीआई काफी उच्च स्तर पर एक बार फिर से आयोजित कर पाएगा। तो वहीं दोस्तों यहाँ निरंजन शाह ने तो इस बात की तो पुष्टि कर ही दी कि आखिरकार आईपीएल की तैयारियां बीसीसीआई अभी से ही करना शुरू कर रही है और एक बड़े पैमाने पर एक बार फिर से आईपीएल के बचे हुए मैचों का आयोजन करवाया जाएगा। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है आईपीएल के बचे हुए मैचों के आयोजन के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कहा अगर इस महामारी से हुए संक्रमित तो खुद को इंग्लैंड दौरे से बाहर समझना। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि अगर वह मुंबई पहुंचने पर टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वह खुद को इस दौरे से बाहर मान सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार टीम इंडिया के फिजियो योगेश परमार ने खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वह मुंबई पहुंचने तक अपने आप को आइसोलेट रखें। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और उनके परिवार के सदस्य टेस्ट होगा और खिलाड़ियों और की सदस्य देश के अलग अलग इलाकों से आएंगे और ऐसे में बीसीसीआई मुंबई में ही एक सुरक्षित बायो बबल बनाना चाहते हैं जिसके चलते उन्होंने ये एडवाइजरी जारी करी है। बाकी आपकी क्या राय है बीसीसीआई के बारे में इसको लेकर, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।